going to learn about science, chapter 6 of class 3. आज हम लोग class 3 का science book पढ़ेंगे, chapter 6. Chapter 6 is food. आज हम लोग भोजन के बारे में जानेंगे. So first of all, food is essential for all living beings. Food जो है सभी जो भी living beings हैं, जो भी जीवित मानव हो, plants हो, सभी के लिए वो animals हो, सभी के लिए जरूरत की चीज होती है. खाने के बगैर हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं. Plants prepare their own food, but human beings and other animals get their food from different sources. Plants जो होते हैं वो अपना खाना स्वयं ही बनाते हैं. Prepare their food on, वो खुद से अपने भोजन को बनाते हैं. But human beings and other animals जो होते हैं ये different sources से food को प्राप्त करते हैं. Other animals get their food from different sources. ये वो human beings और जो animals होते हैं ये different sources से food प्राप्त करते हैं. The two sources of food from plants and animals. हम लोगों के लिए दो sources होते हैं, two sources होते हैं food का. वो कौन कौन सा होता है? तो first जो होता है वो plants होता है और next जो होता है वो animals. हम लोग पौधे से भी food प्राप्त करते हैं और जानवरों से भी. So first topic is in this chapters energy giving food. Energy giving food के बारे में जानेंगे कि कौन सा food जो होता है हमें energy देता है. Energy is required to do all our डे टू डे एक्टिविटीज. एनर्जी हम लोगों को बहुत ही जरूरत होती है. किस लिए? तो प्रत्येक दिन की जो कार्य होते हैं उसको करने के लिए. दिनचर्या का जो वर्क होता है वो वर्क करने के लिए हम लोगों को एनर्जी की बहुत ही जरूरत होती है. दिस एनर्जी इज प्रोवाइड बाय सब्सटेंस कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट. जो एनर्जी हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं सब्सटेंस उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं. एंड सम फूड्स कंटेन सब्सटेंस कॉल्ड फैट. और कुछ ऐसे होते हैं सब्सटेंस फूड के जो जिसको हम लोग फैट कहते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो भी हमारे बॉडी के लिए जरूरत होती है. एंड जो फैट्स होते हैं वो भी बट ये दोनों जो है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इसके अलावा भी ये न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो हमें देते हैं. नेक्स्ट टॉपिक्स बॉडी बिल्डिंग फूड्स. बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में जानेंगे. बॉडी बिल्डिंग फूड आर रिच इन प्रोटीन. बॉडी बिल्डिंग जो भी फूड होते हैं उसमें बहुत ही मात्रा में प्रोटीन्स होते हैं. एनर्जी में एनर्जी गिविंग फूड में कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होते हैं. लेकिन ये बॉडी बिल्डिंग जो फूड होते हैं इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोटीन्स होते हैं. दे आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ द वेयर एंड टीयर ऑफ आवर बॉडी. ये जो प्रोटीन होते हैं ये जरूरत होती है किस चीज़ के लिए? ग्रोथ करने के लिए. और रिपेयर करते हैं बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसको वो रिपेयर करते हैं, हमारी बॉडी को वो ठीक करने में मदद करते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक्स प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन विटामिन विच प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी. कुछ ऐसे भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें विटामिन्स होते हैं विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट मैनी डिजीज. वो हमारी रक्षा करते हैं बहुत सारी बीमारियों से. जिस फ्रूट्स वेजिटेबल्स में विटामिन्स होते हैं ये हम लोगों को जब हम इसको इस फूड को हम लोग खाते हैं ग्रहण करते हैं तो इसमें जो विटामिन्स होते हैं ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं डिजीज से रोगों से बीमारियों से बचाने का काम करते हैं. दे कीप अस हेल्दी. ये हमें और क्या करते हैं स्वस्थ रहने में मदद करते हैं. ऑल दीज न्यूट्रिशंस आर नीडेड बाय आवर बॉडी. जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं विटामिन्स हो मिनरल्स फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स जो भी है वो ये सारे विटामिन्स जो होते हैं ये हमारे न्यूट्रिशंस जो होते हैं ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरत होती है. नेक्स्ट टॉपिक्स वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस. अब हम लोग वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस के बारे में जानेंगे. फर्स्ट पॉइंट पीपल हु नीड ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियंस. वैसे मानव जो सिर्फ पौधे से बने हुए चीज़ों को खाते हैं पौधे से उत्पन्न हुए फूड्स को खाते हैं उसे हम लोग वेजिटेरियंस कहते हैं. ये प्लांट्स प्रोडक्ट्स जो बोल रहा है यानी पौधे से उत्पन्न हुए भोजन. नेक्स्ट है पीपल हु ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस. वैसे मनुष्य जो प्लांट्स भी खाते हैं एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स जानवरों का बहुत सा पार्ट खाते हैं जैसे मीट खाते हैं एग्स खाते हैं फिश वगैरह खाते हैं तो एनिमल्स प्रोडक्ट जो होते हैं ये खाने वाले जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ये
नॉन वेजिटेरियंस कहलाते हैं, कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। नेक्स्ट पॉइंट, 3 meals in a day, 3 meals के बारे में हम लोग जानेंगे जो दिन में हम लोग लेते हैं। फर्स्ट होता है ब्रेकफास्ट, जो मॉर्निंग में हम लोग इसको लेते हैं, इट इज द फर्स्ट मील्स ऑफ द डे। ये जो है फर्स्ट मील होता है डे का, और ये हम लोग कब लेते हैं, वी ईट ब्रेकफास्ट ऑफ मॉर्निंग, ये हम लोग सुबह पे इसको लेते हैं। नेक्स्ट है लंच, इट इज द सेकेंड मील ऑफ द डे। ये जो होता है लंच, ये सेकेंड मील ऑफ द डे होता है, दूसरा भोजन होता है दिन का, जिसको हम लोग वी ईट ऑफ आफ्टरनून, इसको हम लोग दोपहर में, लंच को कब खाते हैं, सो इसको हम लोग आफ्टरनून में खाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिनर, जो थर्ड है मेजर मील्स, वो है डिनर, इट इज द थर्ड मील्स ऑफ द डे। ये तीसरा दिन का भोजन होता है, जिसको हम लोग नाइट में, रात में ग्रहण करते हैं। जिस भोजन को रात में खाते हैं वो डिनर कहलाता है, जो दोपहर में हम लोग खाते हैं आफ्टरनून में उसको लंच कहते हैं, एंड जो मॉर्निंग में सुबह में जो ब्रेकफास्ट जो खाते हैं उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं। नेक्स्ट अबाउट टॉपिक्स, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आर डाइट विच हैज अ प्रॉपर अमाउंट, वैसे डाइट विच हैज अ प्रॉपर अमाउंट, जिसमें प्रॉपर सही मात्रा में ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, एंड मिनरल्स आल्सो, सही मात्रा में एकदम जो होता है बैलेंस डाइट में सही मात्रा में सही चीज का सेवन करना चाहिए। इट इज साल्ट, इट्स कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, इसी को हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। जब हम लोग अधिक मात्रा में किसी चीज को ग्रहण कर लेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट ही बहुत ज्यादा खा लिए तो वो हमारे डाइट में नहीं आएगा, फैट्स प्रोटीन्स, तो ये सारी चीजें जो होती है इसको बैलेंस करके सही मात्रा में प्रॉपर जो होता है प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए, तो ये जो हम लोग लेते हैं उसको हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी एंड स्ट्रॉन्ग ऑफ फूड, सेफ्टी और स्ट्रॉन्ग ऑफ फूड के लिए बारे में जानेंगे हम लोग। वी शुड कीप आवर बॉडी फूड कवर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अपने खाने को हवा बंद डब्बों में, एयर टाइट कंटेनर्स में, हवा बंद डब्बों में रखना चाहिए। फूड कैन ऑल्सो बी स्टोरेड बाई डिफरेंट मैथड दैट डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ग्रो इन देम। फूड को क्या करना चाहिए, हमेशा जो होता है स्टोर करना चाहिए डिफरेंट मैथड, अलग अलग तरह के तरीकों से उसको मैथड से, एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ग्रो इन देम, कि ताकि उसमें क्या हो कि कोई भी कीटाणु जो है ग्रो नहीं कर सके, उत्पन्न नहीं हो सके। फूड कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड बिफोर ईटिंग, फूड को हमेशा क्या करना चाहिए, बॉइल करके उसके बाद ही खाना चाहिए। जम्स नीड मॉइस्चराइजर टू ग्रो, जम्स होते हैं, क्या होता है जम्स, जितने भी जम्स होते हैं वो उसको ग्रो करने के लिए मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है, तो हमेशा एयर टाइट डब्बे का इस्तेमाल करें, मॉइस्चराइजर ना आने दें ताकि उसमें जम्स जो है वो ग्रो ना करें। रूल्स फॉर हेल्दी ईटिंग, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स ऑफ हेल्दी ईटिंग, हम लोग को हेल्दी खाना कैसे कैसे लेना चाहिए और हेल्दी स्वस्थ रहने के लिए किस तरह का भोजन करना चाहिए इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट, वी शुड नॉट ईट फूड फ्रॉम रोड साइड्स वेंडर्स एज दीज आर नॉट प्रिपेयर्ड विद क्लीन हैंड्स एंड ऑफ्टन स्टर। हमें कभी भी ईट फूड जो होता है वो नहीं खाना चाहिए, कहाँ का, रोड साइड वेंडर, जो रोड साइड में ठेले पर लगाकर जो वेंडर्स सेल करते हैं फूड्स का, वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो जो होते हैं प्रिपेयर विद क्लीन हैंड, वो प्रिपेयर नहीं करते हैं साफ हाथों से, और वो अनकवर्ड भोजन होते हैं उसको नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट ईट वेंडर्ड फूड एज इफ मेनी हैव जर्म्स, डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड्स, बिना ढका हुआ खाना जो है वो भी नहीं खाना चाहिए। अनकवर्ड फूड खाने से उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे अनकवर्ड फूड में जम्स होते हैं जिसको खाने से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। नेक्स्ट है वी शुड नॉट टैक विल ईटिंग, खाने वक्त क्या होता है वो टॉक नहीं करना चाहिए, खाने वक्त बात नहीं करना चाहिए, खाना खाने वक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों को भोजन जब ले रहे हैं और बात करेंगे तो हवा जो है अधिक मात्रा में हम लोगों के पेट के अंदर चला जाएगा, जो हम लोग के लिए अच्छा नहीं होता है वो। नेक्स्ट है ऑलवेज ड्रिंक फिल्टर्ड वाटर, हमेशा क्या होना चाहिए, साफ पानी फिल्टर्ड वाटर को पीना चाहिए। नेक्स्ट, च्यू योर फूड वेल बिफोर स्वेलिंग, जब भी खाना हम लोग खाते हैं तो हड़बड़ी में जल्दी जल्दी चबा कर जो खाना को निगल जाते हैं वैसे नहीं करना चाहिए, हमेशा हम लोग को क्या करना चाहिए, फूड को बहुत अच्छी तरह से पहले चबाना चाहिए उसके बाद उसको निगलना चाहिए।
नेक्स्ट है वी मस्ट अवॉइड ईटिंग जंक फूड, हमेशा इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए जंक फूड को, कभी भी जंक फूड खाने से कतराना चाहिए, उसे नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है हैव फूड एट रेगुलर इंटरवल्स, जो खाना हम लोग खाते हैं वो रेगुलर इंटरवल्स में खाना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम लोग खाना खाते जा रहे हैं। खाना खाने के भी एक समय होती है और उसका इंटरवल्स के कुछ कुछ समय का मात्रा रखकर ही भोजन लेना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट ओवर इट, कभी भी खाना को है अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, डाइट के अनुसार हम लोग को थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही भोजन लेना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में भोजन लेने से क्या होगा तो वो भी हमारे बॉडी के लिए अनहेल्दी साबित हो जाएगा, उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। सो नाउ टुडेज क्लास इज ओवर, योर होमवर्क इज रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली एंड डू फेयर क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।